जय हिंद दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स की मीनिंग सिनोनिम्स विद एग्जांपल। तो मेरा नाम रंजीत, वेलकम टू ब्रेन वेव्स एकेडमी। आज हम इन सभी के बारे में इसमें जानेंगे, तो लेट वी स्टार्ट नाउ। देखो, नंबर एक है बैनिस, सिनोनिम्स है एग्जाइल, मीनिंग है इसकी देश निकाला देना। अब इसे याद करने का तरीका देखें, द टीचर हैड टू बैनिस ऑल सेल फोन फ्रॉम द क्लास रूम, अर्थात टीचर के पास, अध्यापक के पास जितने भी फोन थे उसको क्लास रूम से बाहर कर दिया। एक तरीका और है एग्जिट, भाई एग्जिट मतलब बाहर, तो एग्जिट से एग्जाइट और एग्जाइल और एग्जाइल से हमारा क्या आया, बैनिस, तो देश निकाला देना। नेक्स्ट है हमारा पोएट, पोएट चारण, सिनोनिम्स बेर्ड। नेक्स्ट है हमारा ब्रेव, ब्रेव मीन्स होता है बहादुर, इसका एक सिनोनिम्स होता है फियरलेस। तो अशोक वाजे ब्रेव किंग, अशोक एक महान राजा थे, अशोक वाजे फियरलेस किंग। ब्रेव मत बोलना अब फियरलेस बोलना, जिसका मीनिंग होता है बहादुर। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग फाइट, भाई बैटल सब बोलते हैं, लॉन्ग फाइट नहीं बोलते, तो लॉन्ग फाइट का मतलब होता है युद्ध और इसका सिनोनिम्स होता है बैटल। नेक्स्ट है हमारा चार्मिंग, चार्मिंग सुंदर, इसका सिनोनिम्स याद रखना ब्यूटीफुली। सबको पता है यू आर ए वेरी चार्मिंग, तुम बहुत सुंदर हो, कहते हैं ऐसे सभी ना, तो चार्मिंग बोलना, ब्यूटीफुल मत बोलना। नेक्स्ट है हमारा बेनिफिट, बहुत ही इजी वर्ड है, बेनिफिट प्रॉफिट यानी कि लाभ। नेक्स्ट हमारा ब्रेव, ब्रेव हो गया, इसका एक सिनोनिम्स होता है बोल्ड, जिसे हम कहते हैं मीनिंग इसका वीर या फिर साहसी। आई एम ए बोल्ड पर्सन, मैं एक साहसी व्यक्ति हूँ, तो बोल्ड बोलना, ब्रेव अपने आप याद रहेगा। नेक्स्ट हमारा ब्रीफ, ब्रीफ मतलब होता है संक्षिप्त, प्लीज ब्रीफ मी एक्सप्लेन, भाई शॉर्ट तो पता है संक्षेप, लेकिन ब्रीफ भी पता होना चाहिए, प्लीज ब्रीफ मी एक्सप्लेन, कृपया मुझे संक्षेप में समझाइए। नेक्स्ट बिजी एक्टिव, सिनोनिम्स एक्टिव मीनिंग व्यस्त, कोई एक्टिव रहेगा तो वो व्यस्त रहेगा यानी वो बिजी रहेगा, तो यू आर ए एक्टिव बॉय। नेक्स्ट कैलेमिटी, सिनोनिम्स डिजास्टर मीनिंग मुसीबत, इन दिस टाइम आई एम वेरी डिजास्टर, इस समय में मैं बहुत मुसीबत में हूँ, आप बोलना इन दिस टाइम आई एम वेरी डिजास्टर, तो कैलेमिटी आई एम वेरी कैलेमिटी, आई एम वेरी डिजास्टर यानी मुसीबत। नेक्स्ट कैंडिड, कैंडिड यानी निष्कपट, सिनोनिम्स फ्रैंक, दे वर वेरी कैंडिड पर्सन, होते हैं ऐसे बहुत लोग, वो क्या होते हैं निष्कपट होते हैं, तो वे अर्थात वे सभी बहुत कैंडिड व्यक्ति हैं, निष्कपट व्यक्ति हैं, तो कैंडिड फ्रैंक निष्कपट। नेक्स्ट डिफेंडर यानी कि समर्थक यानी कि चैम्पियन, चैम्पियन वही बनेगा जो अपने काम को डिफेंड करेगा, और उसी के समर्थक बहुत ज़्यादा होते हैं, फॉलोअर्स समर्थक है ना, तो वही होगा चैम्पियन जो डिफेंड करेगा और उसी के होंगे समर्थक, विराट इज ए बेस्ट चैम्पियन। नेक्स्ट प्योर, होली मीनिंग पवित्र, सिनोनिम्स चेस्ट, अब आपसे बोलना चेस्ट, रामायण इज ए होली बुक, नो रामायण इज ए चेस्ट बुक। नेक्स्ट एडमिट, एडमिट कर दिया यानी स्वीकार करना, तो कॉन्फेस, अब आप बोलोगे कॉन्फेस मिस होता है स्वीकार करना, आई डोंट एडमिट, नहीं बोलोगे आई डोंट कॉन्फेस योर रीजन, मुझे आपका कारण स्वीकार नहीं है, आई डोंट कॉन्फेस योर रीजन, कॉन्फेस स्वीकार करना। नेक्स्ट कनक्वेयर, देखो विन मतलब तो जीतना पता है, लेकिन एक वर्ड आपको मैं ला रहा हूँ कनक्वेयर, CONCURE, यू कनक्वेयर द गेम, यू कनक्वेयर द गेम, तो कनक्वेयर मीन्स होता है जीतना, सिनोनिम्स विन। नेक्स्ट
कंसोलेशन एक वर्ड देखो, सिंपैथी मतलब सांत्वना, तो दो इसके साथ जोड़ो, कंसोलेशन सोलेस, सिनोनिम्स कंसोलेशन सोलेस यानी सांत्वना। भाई सोलेस सांत्वना, कंसोलेशन सांत्वना, सिंपैथी मतलब तो सांत्वना होता ही है। नेक्स्ट है हमारा, अब देखेंगे कंट्रीब्यूट। भाई कंट्रीब्यूट हेल्प, योगदान करना, सिनोनिम्स गिव। आई वॉन्ट हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प यानी सहायता करना चाहता हूँ, कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, गिव करना चाहता हूँ। नेक्स्ट कन्विक्ट, देखो क्रिमिनल सबको पता है अपराधी होता है, क्रिमिनल तो याद नहीं करना, तो राहुल इज ए कन्विक्ट बॉय, राहुल इज ए कन्विक्ट बॉय या फिर कन्विक्ट, तो राहुल एक क्रिमिनल है या फिर अपराधी है। तो नेक्स्ट है हमारा, ध्यान सुनेंगे, प्लेंटीफुल बहुत अधिक, सिनोनिम्स कॉपियस, कॉपियस तो फिश आर ऑल्सो प्लेंटीफुल। नेक्स्ट प्राइज मतलब मूल्य, क्या प्राइज है क्या मूल्य है, सिनोनिम्स देखेंगे, कॉस्ट हो गया, वर्थ हो गया। दिस क्लॉथ व्हाट इज प्राइस, इस कपड़े का क्या दाम है। नेक्स्ट कंफर्ट संतोष, सिनोनिम्स कंटेंटमेंट। आई एम नॉट कंफर्ट इन 10 रुपीज़, आई एम नॉट कंटेंटमेंट इन 10 रुपीज़, तो मतलब क्या हुआ, संतोष हुआ ना, मुझे 10 रुपये में संतोष नहीं है, तो कंटेंटमेंट बोलो या फिर कंफर्ट बोलो। नेक्स्ट कपल, आसानी से पता है सबको, दंपति, सिनोनिम्स पेयर हो गया, राम एंड प्रीति आर गुड कपल। नेक्स्ट करेज, सबको पता है करेज मतलब होता है साहस, नया वर्ड है ब्रेवरी, आई एम ए वेरी करेज पर्सन, आई एम ए वेरी ब्रेवरी पर्सन। नेक्स्ट हमारा है ग्रो, ग्रो मतलब पैदा करना या फिर कल्टिवेट, सिनोनिम्स है ना डेवलप, तो ही ग्रो अप एवरी डे, वह प्रत्येक दिन डेवलप हो रहा है, यानी कि अब प्रत्येक दिन हर एक दिन डेवलप हो रहा है, ग्रो हो रहा है। ठीक नेक्स्ट हमारा कॉन्फिडेंस, सबको पता है भरोसा होता है, नया वर्ड है आपका, नया वर्ड है रेलियंस, रेलियंस आर ई एल आई ए एन सी ई, सी लाइक्स योर रेलियंस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।